हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP 9 के आठवां क्लास आठवां लेसन शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों परचेज और सेल्स का डिटेल्स मैं बताऊंगा आज। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं और एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से कंपनी बना करके और आठवां क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपनी हम ABC नाम से ही बना लेते हैं, इंडिया और दिल्ली का। इंटर करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट दिल्ली और एक्सेप्टेड। दोस्तों मेरी कंपनी बन चुकी है। हम 7 क्लास में आपको जो है जर्नल तक बता चुके थे। आज 8वां क्लास में हम आपको परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग मोड और इन्वेंट्री मोड दोनों तरीका से मैं बता दूंगा, ताकि परचेज और सेल्स कुल मिला के आपका कंप्लीट ही हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको चलना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले जो भी आप वाउचर पर है, F5 पेमेंट, F4 कंट्रा पर है, F6 रिसिप्ट पर है, F7 जर्नल पर है, चारों वाउचर पर है। लेकिन चारों में क्या था ना कि चारों वाउचर एक एक मोड में खुल रहा था, मींस सिंगल तरीके से। लेकिन परचेज और सेल्स ऐसे वाउचर है दो मोड में खुलेंगे, एक आपका इन्वेंट्री और एक आपका अकाउंटिंग। तो चलिए पहले हम ओपन करके बता देते हैं और दोनों के बारे में समझा देते हैं कि कैसा कैसा बॉक्स खुलता है, उसके बाद हम उसमें एंट्री करके बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से परचेज को ही खोलते हैं या सेल्स को ही खोलते हैं। तो सेल्स पे क्लिक करेंगे, दोस्तों सेल्स का बॉक्स ये खुला। देखिए ये एक डिज़ाइन है सेल्स, रेफरेंस नंबर, डेट, पार्टीज नेम और यहाँ पे लेजर, सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो इसको बोलते हैं जो दोस्तों इन्वेंट्री मोड। इसमें नेम ऑफ आइटम वाइज वर्क होता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको बदलना होता है तो बदलने के लिए यहाँ से आप जाइएगा एज वाउचर पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका जो है कि बदल करके और अकाउंटिंग मोड में दिखने लगेगा, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको डेबिट और क्रेडिट पे काम करना होता है जर्नल एंट्री का सेल्स में, तो आप यहाँ से यूज़ कीजिएगा एज वाउचर, तो यहाँ से अकाउंटिंग और यहीं से आपका इन्वेंट्री। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी, आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये मोड आपका चेंज होगा, कंट्रोल भी। तो दोस्तों अभी तो हम आपको अकाउंटिंग मोड में ही करके काम दिखाएंगे, उसके बाद परचेज को भी पहले ऑन करके दिखा देते हैं। सेम इसी लाइक में परचेज भी खुलेगा। क्लिक किया परचेज, आपका खुला नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर क्लिक किया एज वाउचर पे, तो डेबिट और क्रेडिट देखिए। तो ये दोनों सिस्टम आपका परचेज और सेल्स दोनों सेम काम करता है। तो अब हम कुछ आपके परचेज में एंट्री करना बता देते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है परचेज ऑन गुड्स। तो दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन है जो परचेज और सेल्स में इसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन दो टाइप का है। एक परचेज ऑन गुड्स है जो 5000 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 5000 का सामान खरीदेंगे। गुड्स मतलब कोई भी सामान है, सामान को क्लियर नहीं किया गया है। और एक क्वेश्चन है सोल्ड ऑन गुड्स, उसी सामान को बेचा जा रहा है 8000 रुपया में। एक क्वेश्चन में कुछ क्लियर है कि परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है 60000 का और सोल्ड किया जा रहा है कंप्यूटर 90000 का। तो दोस्तों इसका हम लोग एंट्री कैसे करते हैं? तो सबसे पहला एंट्री है परचेज ऑन गुड्स 5000 रुपया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो परचेज खोलने के लिए यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज खुलेगा। अब DRCR पे काम करना होता है तो यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक किए, DRCR दिखा, सप्लायर्स इन्वॉइस नंबर डाले, डेट डाले। सबसे पहले CR पूछ रहा है, तो परचेज में CR में कैश होता है, इंटर करेंगे। कितना का खरीद रहा है? तो 5000 का, 5000 डाले, इंटर किए। अब यहाँ पे डेबिट में अल्ट और सी करेंगे और एक हम लोग लेज़र बनाएंगे परचेज गुड्स का, या सिर्फ परचेज का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होगा। ये अंडर जाता है आपका परचेज अकाउंट में, तो इसको परचेज अकाउंट में डालेंगे, इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बींग परचेज गुड्स, उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे और इसको कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सोल्ड ऑन गुड्स 8000, इसी सामान को बेचना है 8000 में। तो सेल्स पे क्लिक किए, फिर यहाँ नेम ऑफ आइटम आ रहा है, एज वाउचर पे क्लिक किए, डेबिट क्रेडिट आ गया। पहले DR पूछेगा तो DR में यहाँ पे कैश होगा, 8000 रुपया हम अमाउंट डालते हैं। और क्रेडिट में सोल्ड यानी सेल्स गुड्स का या सोल्ड गुड्स का लेजर बनाएंगे। तो अल्ट सी करते हैं, बनाते हैं SOLD सोल्ड गुड्स का बना लेते हैं, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में और इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इंटर कर दिए, नरेशन लिख दिए बींग सोल्ड गुड्स, उसके बाद दोस्तों इंटर करके इसको कर देते हैं हम एक्सेप्ट। तो ये दो क्वेश्चन का जर्नल एंट्री हो गया। अगला क्वेश्चन है परचेज ऑन कंप्यूटर 60000। तो कंप्यूटर परचेज करना है 60000 में और 90000 में बेचना है। तो यहाँ परचेज क्लिक करेंगे, यहाँ से एज वाउचर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर यानी रसीद नंबर डाल देंगे, सप्लायर्स नंबर, डेट डालेंगे, कैश डालेंगे परचेज में,
यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 60,000, इंटर करेंगे, यहाँ से हम अल्ट सी करके और लेज़र बना लेते हैं परचेस कंप्यूटर का, इंटर करेंगे, ये भी अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज कंप्यूटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका सक्सेसफुली बन चुका है। अब अगला जो आपका ट्रांजैक्शन करना है जर्नल एंट्री का, सोल्ड ऑन कंप्यूटर 90,000 का, तो इसके लिए मुझे सोल्ड खोलना होगा। एफएट प्रेस करेंगे, फिर एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, पहले डेबिट में कैश डालेंगे, इंटर करेंगे, अमाउंट डालेंगे 90,000, इंटर करेंगे, यहाँ पे हम लेज़र डालेंगे सोल्ड गुड्स का, अल्ट सी करके लेज़र बनाएंगे, सोल्ड गुड्स, इंटर करेंगे, ये दोस्तों सोल्ड गुड्स का बना हुआ है, सोल्ड कंप्यूटर का, सॉरी सोल्ड कंप्यूटर का हमें बनाना है लेज़र, हम बनाएंगे सोल्ड कंप्यूटर का। जो बना हुआ होगा लेज़र दोस्तों वो नहीं बनता है, ऐसे ही डुप्लीकेट लिखता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी दे रहा हो आपको तो समझिएगा वो लेज़र बना हुआ है। सोल्ड जाएगा आपका सोल्ड अकाउंट में यानी सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे, नरेशन लिखेंगे बींग सोल्ड कंप्यूटर, और दोस्तों इसको इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जर्नल एंट्री परचेज और सेल्स करने में आपने एक तरीका का सीख लिया जिसको अकाउंटिंग मोड बोलते हैं, ठीक है, क्या, तो अकाउंटिंग मोड, MOD। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपका बाकी है इन्वेंट्री मोड। तो इन्वेंट्री मोड के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक करना होता है, तो ये इन्वेंट्री मोड का परचेज, ये परचेज और ये आपका सेल्स खुल रहा है। तो दोस्तों इन्वेंट्री मोड जो है हम लोग क्लास अगले में जानेंगे, आज हम दोस्तों परचेज और सेल्स का आपको दो मोड ही बता पा रहे हैं, एक अकाउंटिंग का जो परचेज था और अकाउंटिंग का जो सेल्स था, और अकाउंटिंग का जो परचेज और सेल्स था वो तो कंप्लीट हो जाएगा, अब इन्वेंट्री का जो परचेज बचेगा, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और इन्वेंट्री का सेल्स जो करना बचेगा, ये जानेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्लास में। आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए